हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टूडेंट, करते हैं हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट। बेटा कल की क्लास में हमने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर के बारे में, डिवीजन ऑफ एरर के बारे में, कुछ डेरिवेशंस हमने आपको ड्राइव करवाई थी। उम्मीद करते हैं कि वो डेरिवेशंस आप लोगों को समझ आई हों और कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा बेटा, आज हमारी है सैटरडे की क्लास। अब सैटरडे एज यूजुअल हम क्लास तो पहले लेते नहीं थे, अभी से हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की है तो अब से हमारी सैटरडे क्लास तो होगी ही, लेकिन क्लास के साथ साथ हमारी एक डाउट क्लास भी होगी। तो ये क्लास तो आप पूरे दिन में कभी भी देख सकते हैं जैसे कि आपके पास में लेक्चर आता है। इवनिंग में आप लोगों की एक डाउट क्लास है बेटा, आपको उसका ऑप्शन लाइव क्लास वाले फोल्डर में मिल जाएगा। जो आपके एप्लीकेशन में लाइव क्लास का फोल्डर है वहाँ आपको आपकी लाइव डाउट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा स्टूडेंट। वहाँ हम लाइव आपके डाउट क्लियर कराएंगे बेटा। तो जो जो आप लोगों के डाउट होंगे, जो जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स होंगी, जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, आप डायरेक्ट हम लोगों से इंटरेक्ट करके अपने उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों की दो क्लास होनी है, एक क्लास तो ये जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एक आप लोगों की इवनिंग में होगी डाउट क्लास, और उस डाउट क्लास में आप डायरेक्ट हमसे अपने डाउट्स क्लियर करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो अभी दोबारा से हम अपनी क्लास पर लौट कर आ जाते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना क्या है। भाई हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर की डेरिवेशन बना ली, हमने डिवीजन की भी डेरिवेशन बना ली, हमने एक और पावर वाली डेरिवेशन बनाई थी। अब आती है हमारे पास में डेरिवेशन नंबर 4, जो मैंने आप लोगों को बेटा करने के लिए दी थी, जो आप लोगों का होमवर्क था। अब उस डेरिवेशन को पहले हम बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, डेरिवेशन थी क्या हमारे पास में बेटा? डेरिवेशन थी हमारे पास में, हमें गिवन दिया गया था एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एम अपॉन बी टू द पावर एन। देखो बेटे, ये हम लोगों को गिवन दिया गया है और हमें बताना है कि फाइंड द रिलेटिव एरर इन एक्स, एक्स के अंदर कितनी एरर होने वाली है। अब इस तरीके की डेरिवेशन तो काफ़ी सारी मैंने आपको सॉल्व करवाई और ऐसी डेरिवेशंस को सॉल्व करने के मैंने स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मेथड बताए, बस वही स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ फॉलो करने वाले हैं। तो कैसे फॉलो करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए बेटा, हम लोग करेंगे सबसे पहले, हमने लिखा लेट x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x, यानी ये जो x आपको दिखाई दे रहा है, हमने इस x को लिख लिया है बेटा x प्लस माइनस डेल्टा x। a को हमने लिख लिया है a प्लस माइनस डेल्टा a की होल पावर m, और अपॉन में है हमारे पास में b प्लस माइनस डेल्टा b की होल पावर n। देखो यार, यहाँ तक के स्टेप सभी लोगों को पता है क्योंकि यहाँ तक मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। x को हमने लिख दिया है ये, a को हमने लिख दिया है ये, और b को हमने लिख दिया है ये। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या होने वाला है बेटा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम यहाँ से x को बाहर कॉमन लेंगे। अब जैसे ही हमने x को बाहर कॉमन लिया, ये बचा हमारे पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, हमने यहाँ से x को बाहर कॉमन ले लिया है। यहाँ से ऊपर से हम कॉमन लेने वाले हैं बेटा a को बाहर, और जब इस पूरे ब्रैकेट से a बाहर कॉमन आएगा तो ब्रैकेट से बाहर आने के बाद में पूरे ब्रैकेट की होल पावर m है, तो ये बनेगा a टू द पावर m, और नीचे वाले ब्रैकेट से हमने कॉमन लिया है b को बाहर, जब b पूरे ब्रैकेट से बाहर आएगा बेटा तो ये बनेगा b टू द पावर n। अंदर बचेगा हमारे पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की होल पावर m, और अपॉन में बचेगा हमारे पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की होल पावर n। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ रहे हों और कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मैं इसके जैसी तीन डेरिवेशन ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ बेटा।
अब जब तीन डेरिवेशन हम कर चुके होते हैं ना, फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये सिचुएशन हमारे पास में निकल कर आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब आप देखो ज़रा, ये जो x आपको दिख रहा है, इस x की जगह हम लिख सकते हैं a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर n। अंदर बचेगा हमारे पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, बेटा यहाँ है हमारे पास में a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर n, ये है मेरे पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की होल पावर m। अब आप एक बात देखिए, ये जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट लिखा हुआ है, अगर मैं इस ब्रैकेट को यहाँ से ऊपर लेकर जाता हूँ, अभी इसकी जो पावर है n वो प्लस में है, अगर ये ब्रैकेट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये ब्रैकेट जो ये पावर है ये प्लस n से माइनस n हो जाएगी और हमारे पास में रिजल्ट बनेगा ये 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की होल पावर माइनस n। ये रिजल्ट हमारे पास में बना, n को ऊपर लेकर गए तो ये बन गया माइनस n। अब आप देखो बेटा, इससे ये हो गया हमारा कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टेप क्या बना हमारे पास में, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, यहाँ बचा हमारे पास में, अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा बाइनोमियल एक्सपेंशन का, जो कल की क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था ना बेटा, बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो बाइनोमियल एक्सपेंशन का रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे और ये पूरे ब्रैकेट की पावर जो m आपको दिखाई दे रही है, ये m पावर यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ये पूरे ब्रैकेट की पावर माइनस n जो आपको दिखाई दे रही है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी। जब ये पूरे ब्रैकेट की पावर यहाँ से यहाँ आएगी तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a, और बेटा ब्रैकेट में हमारे पास में बनेगा 1, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे प्लस, और यहाँ आएगा n हमारे पास में डेल्टा b अपॉन b, ये रिजल्ट हमारे पास में बनेगा। ये कंडीशन यहाँ आ चुकी है, m को हम आगे लेकर आए ये सिचुएशन यहाँ आ चुकी है, n को हम आगे लेकर आए ये सिचुएशन हमारे पास में यहाँ आ चुकी है। अब आप जानते हैं कि अगला स्टेप हमारा, यानी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, हम दोनों ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, हम 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यह आएगा हमारे पास में 1 माइनस प्लस n डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a। बेटा बात समझ आ रही है, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, और ये जो लास्ट वैल्यू आएगी हमारी ये इतनी छोटी आएगी कि इस वैल्यू को मैंने यहाँ कर दिया है बेटा नेगलेक्ट। जब मैं इस वैल्यू की मल्टीप्लाई इस वैल्यू में करूंगा तो ये इतनी छोटी वैल्यू आएगी कि मैंने इसे नेगलेक्ट कर दिया है, बिकॉज डेल्टा ए बहुत छोटी वैल्यू होती है, डेल्टा ए स्मॉल वैल्यू है, डेल्टा बी भी स्मॉल वैल्यू है, और स्मॉल वैल्यू की मल्टीप्लाई आप स्मॉल वैल्यू में करेंगे तो आएगी वेरी स्मॉल वैल्यू, इसीलिए हमने पूरे टर्म को ही यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया। ये वन से ये वन हो गया बेटा हमारा कैंसिल आउट, ये वन से ये वन हमारा कैंसिल आउट, और फोर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर, फोर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर, फोर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर टेकिंग पॉजिटिव ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ ले लिया है पॉजिटिव। बेटा यहां आ गया है हमारे पास में प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आ गया है मेरे पास में m डेल्टा a अपॉन a, और यहाँ आ गया है n डेल्टा b अपॉन b। देखिए यही रिजल्ट हम लोगों को प्रूव करना था और यही रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ बना दिया है। मतलब कल से जो तीन डेरिवेशन मैंने आपको कराई थी, बस ये समझ लीजिए कि उन्हीं तीन डेरिवेशंस को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल वैसे ही हमारी फोर्थ डेरिवेशन है, और बिल्कुल वैसे ही हमने फोर्थ डेरिवेशन को सॉल्व किया है और फाइनल रिजल्ट हमारे पास में ये निकल कर आ गया है बेटा। तो ये है हमारी एरर की एनालिसिस स्टूडेंट, ये हमारी एरर एनालिसिस है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आई हो बात, कि जो जो टर्म हमने आपको बताया है
किस किस तरीके से आप एरर का यूज़ करेंगे, कैसे आप एरर के ऊपर प्रॉब्लम्स बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हमने आपको सॉल्व कराए हैं, तो आपको उनसे आइडिया ज़रूर हुआ होगा कि भाई एरर की प्रॉब्लम को एक्चुअल में सॉल्व करना कैसे होता है। ठीक है, अभी तो हमें काफ़ी क्वेश्चंस एरर के ऊपर करने हैं बेटा। अभी तो मैं आप लोगों को एरर पढ़ा ही रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको पॉइंट बताकर चल रहा हूँ। अभी हमें नीट प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम करनी है, जेई प्रीवियस ईयर करने हैं, एडवांस प्रीवियस ईयर करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके आप आराम से अपना नोट डाउन कर सकते हैं और चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि हम क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में अब क्या आती है, जैसे कि हमारे पास में एक टर्म बना y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से और बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ये टर्म हमें गिवन दिया गया है। अब देखो हम लोगों से पूछा क्या है, हम लोगों को एक और बात गिवन दी है और वो ये है, x की वैल्यू हमें दे रखी है 1 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये है बेटा हमारे पास में प्रॉब्लम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से एक नई बात आपको सीखने के लिए मिलेगी। आप ये समझिए, जिन क्वेश्चंस में आप एरर का डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं, जिन प्रॉब्लम्स के अंदर आप एरर का कोई कंसेप्ट यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में जो डिफरेंशिएशन मैंने आपको पढ़ाया था ना बेटा, उस कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको गिवन क्या दिया है बेटा, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको गिवन क्या दिया है। हमें गिवन दिया है x की मेन वैल्यू, x की मेन वैल्यू है हमारे पास में 1, और x की जो एरर वाली वैल्यू है हमारे पास में वह है 0.1। x की मेन वैल्यू है हमारे पास में 1 और x की जो एरर वाली वैल्यू है हमारे पास में वह है 0.1। दिस इज मेन वैल्यू, दिस इज एरर वाली वैल्यू। ठीक है, यानी ये है हमारे पास में मेन वैल्यू बेटा और ये है हमारे पास में एरर वैल्यू। इस डेल्टा x को हम एक और नाम से पुकारते हैं और वह है dx। हम इसे डेल्टा x भी लिख सकते हैं और हम इसे dx भी लिख सकते हैं। अब आप देखो, हमें इक्वेशन दे रखी है बेटा ये, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें ये इक्वेशन दी गई है। अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस कंडीशन को। इक्वेशन आपके सामने है। जिन बच्चों से डिफरेंशिएशन नहीं आता है भैया, डिफरेंशिएशन तो सीखना पड़ेगा बिल्कुल, और मैंने इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले डिफरेंशिएशन ही आप लोगों को सिखा रखा है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में जिन लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है वो अपना बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर देखना स्टार्ट करें और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस के ऊपर कमांड बनाएं। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो बेटा, एक्स के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करो। जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन होगा पावर आगे और पावर में से एक कम। डिफरेंशिएशन करने का तरीका जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसकी पावर आ जाएगी आगे और पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2x, पावर आगे और पावर में से एक कम। यानी वाई की वैल्यू तो हमें दे रखी है बेटा ये, और यहाँ से हमारे पास में जो डी वाई की वैल्यू आई है, डी वाई की वो वैल्यू आई है हमारे पास में ये 3x स्क्वायर माइनस के 2x इंटू डी एक्स। ये है हमारे पास में y की वैल्यू और ये है हमारे पास में dy की वैल्यू।
अब कैसे हम y और dy की वैल्यू को निकालेंगे, ज़रा आप लोग ध्यान से देखिएगा y और dy की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। देखो y कैसे निकालेंगे हम लोग, y की वैल्यू है x टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा x कितना है आपके पास में, 1 को यहाँ रखेंगे, सो 1 की पावर 3 यानी 1 माइनस 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। यानी y की जो मेन वैल्यू निकल कर आई हमारी वो 0 है। अब यहाँ पुट करिए, 3 1 स्क्वायर करेंगे 1, x की वैल्यू है हमारे पास में 1 माइनस 2 इंटू 1, और dx की वैल्यू है हमारे पास में 0.1। ये जो dx आपको दिख रहा है ना बेटा, dx ये dx कहलाता है, ये dx कहलाएगा। सो dy की जो वैल्यू निकल कर बनी है बेटा हमारे पास में, वो बनी है 1 इंटू 0.1 यानी 0.1। तो हम ये कह सकते हैं कि y की जो मेन वैल्यू है हमारे पास में वो तो है 0, और dy की जो मेन वैल्यू है हमारे पास में वो तो है 0, और जो y की एरर वाली वैल्यू है वो है 0.1। यानी y को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस 0.1। y को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस 0.1। ये हमें इक्वेशन गिवन दी गई थी, ये हमें x की वैल्यू गिवन दी गई थी, हमें y की वैल्यू निकालनी थी। अब देखो इस इक्वेशन में बेटा बीच में माइनस आ रहा है, और माइनस का कोई रूल नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा, बीच में माइनस आ रहा है, क्या तो आपके पास में मल्टीप्लिकेशन का रूल है या आपके पास में डिवीज़न का रूल है। तो यहाँ आप एरर का कोई डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं। यहाँ एरर का कंसेप्ट हम यूज़ करने के लिए, यानी यहाँ एरर निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट का, और हमने वैसा ही किया, हमने पूरा डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट का यूज़ किया। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते रहे, और ये फाइनली हमारी निकल कर आई y की वैल्यू। ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे, आप इसे नोट करिए, हम इसके जैसे ही और क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों का और क्लियर होगा कि कैसे हमें क्वेश्चन और बनाने हैं। बेटा करिए जल्दी से नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट, बेटा हमारे पास में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस z स्क्वायर। ये है हमारे पास में नेक्स्ट वैल्यू, y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस z स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को गिवन क्या दिया है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या दिया गया है। भाई सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए यही है, हमें गिवन दिया है x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर, और z की वैल्यू हमें दी गई है 1 प्लस माइनस 0.1 मीटर। लो भैया मेरे प्यारे बच्चों, ये तो है इक्वेशन हमारे पास में, ये हमारे पास में x की वैल्यू है, और ये हमारे पास में y की वैल्यू है, हमें ये हमारे पास में z की वैल्यू है, हमें बताना है कि यहाँ y की वैल्यू कितनी रहने वाली है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब समझने वाली प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे वाली समझने वाली प्रॉब्लम है। आप यहाँ डायरेक्ट एरर का कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ खाली x की पावर 4 है, बीच में माइनस है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल टाइप बन रहा है, एक पूरी इक्वेशन बन रही है आपके सामने, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एरर का कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं। बेटा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंशिएशन मेथड का यूज़ करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास में है, कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास में है। यह है x की मेन वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 मीटर। यह है x की एरर वाली वैल्यू, dx इज इक्वल टू 0.2 मीटर। यह है z की मेन वैल्यू, z की मेन वैल्यू है 1 मीटर, और यह है z की एरर वाली वैल्यू, यह है 0.1 मीटर। ये चार डेटा हैं बेटा हमारे पास में, ये x की मेन वैल्यू है, ये x की एरर वाली वैल्यू है, ये z की मेन वैल्यू है, और ये z की हमारे पास में एरर वाली वैल्यू है। बेटा अब आप ये देखो
कि y की मेन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है क्या? ऑलरेडी गिवन है यार आप लोगों को, भाई तुम्हें अपनी तरफ से तो नहीं निकालना, ऑलरेडी गिवन है आप लोगों को। क्या गिवन है? y की मेन वैल्यू आपके पास में ये है। y की मेन वैल्यू निकालने का तरीका है x की पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर y की पावर 1। हमें y की मेन वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, तो y का फॉर्मूला हमारे पास में ये है। अब बताइए x की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस z की वैल्यू कितनी है? 1। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। 2 की पावर 4 यानी 16 माइनस के 1, आंसर आ गया हमारे पास में 15। लो बेटा y की मेन वैल्यू निकल गई हमारी 15। बहुत आसान, हमने y की मेन वैल्यू निकाल दी कि भैया y की मेन वैल्यू हमारी 15 होने वाली है। अब हमें निकालनी है y की एरर वाली वैल्यू। अब एरर वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें दिया गया है y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस z स्क्वायर, यानी अब हमें dy निकालना है। dy कह लो या डेल्टा y कह लो, ये हमें निकालना है। अब सिंपल तरीके से तो हम निकाल नहीं सकते हैं, हमें डिफरेंशिएशन का सहारा यहाँ लेना पड़ेगा। आप एक काम करो बेटा, आप x के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि dx हमारे पास में है, जो आपके पास में है। जैसे मान लो आपके पास में यहाँ dx है या आपके पास में dz है, तो क्या तो आप डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करोगे या आप z के रेस्पेक्ट में करोगे? तो जब y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना बेटा, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ भी x है, तो ये हो गया 4x की पावर 3 माइनस z स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2z। ये z और ये x दोनों अलग अलग हैं, तो इसका दोबारा से करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा dz अपॉन dx। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रखा है वो पढ़ें डिफरेंशिएशन। मैंने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपके ये छोटे मोटे कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे वहाँ पर। अब मैं यहाँ दोबारा से पढ़ाऊँ तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। बेसिक मैथमेटिक्स के फोल्डर में डिफरेंशिएशन के नाम से आप लोगों के लेक्चर्स हैं, उन्हें आप लोग 2-4 लेक्चर अच्छे तरीके से देख लें तो ये सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए बेटा। तो ये हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ dy। तो dy की वैल्यू निकल कर आएगी ये 4x की पावर 3 माइनस के 2z dz अपॉन dx मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दी यहाँ पर। अब देखो आपके पास में सब कुछ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई x की वैल्यू कितनी है आपके पास में? x की वैल्यू है 2 मीटर, यहाँ x की जगह हम लोग रखेंगे 2, ये बन गया 4, 2 की पावर 3 यानी 8 माइनस z की वैल्यू है 1, dz की वैल्यू है 0.1, dx की वैल्यू है 0.2, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाई बाय dx की वैल्यू है हमारे पास में 0.2। ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ये निकल जाएगी हमारी dy की वैल्यू, यानी y की मेन वैल्यू निकल गई हमारी 15, y की मेन वैल्यू निकल गई 15 और y की एरर वाली वैल्यू निकल गई बेटा हमारी इतनी। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात, कर लीजिए नोट डाउन, आगे बढ़ेंगे, और नहीं समझ आया होगा तो आगे समझ आ जाएगा, चिंता मत करिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ओके बेटा, चलिए तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में स्मॉल जी यानी ग्रेविटी। ये फॉर्मूला हम लोगों को गिवन दे रखा है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। हमें कहा फाइंड द परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी, फाइंड द परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी
इफ डेल्टा जी परसेंट इक्वल टू 0%, डेल्टा एम परसेंट इज इक्वल टू 0%, और डेल्टा आर परसेंट इज इक्वल टू 1%। बेटा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन चूंकि कई बार पूछ लिया गया है इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ हम डिफरेंशिएशन का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। हम डिफरेंशिएशन का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ हमारे पास में इक्वेशन के अंदर प्लस माइनस होते हैं, बड़ी सी इक्वेशन बना कर रखते हैं, नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वहाँ हम सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। यहाँ तो हमारे पास में पूरी पूरी इक्वेशन है भाई, हमें परसेंटेज एरर बतानी है ग्रेविटी में, हमें परसेंटेज एरर बतानी है ग्रेविटी में, तो हमने लेफ्ट साइड में रखा ग्रेविटी को। ये लेफ्ट साइड में हमारी ग्रेविटी है और ग्रेविटी की पावर है हमारी 1। जो रूल मैंने आपको सिखाया था एज यूजुअल दो तीन दिन पहले, वही रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ग्रेविटी की पावर हमारी 1 होनी चाहिए, जिसके अंदर हम लोगों को एरर निकालनी है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। हमें ग्रेविटी के अंदर एरर निकालनी है तो ग्रेविटी की पावर हो गई 1। यहाँ है हमारे पास में कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, जब हम इसे एरर में कन्वर्ट करेंगे तो जी को हम लिखेंगे डेल्टा जी परसेंटेज इज इक्वल टू, कैपिटल जी को हम लिखेंगे कैपिटल जी परसेंटेज प्लस मास की पावर 1, हम इसे लिखेंगे डेल्टा एम परसेंटेज प्लस आर की पावर है बेटा 2, 2 को हम लेकर आ जाएंगे सामने और हम इसे लिखेंगे डेल्टा आर परसेंटेज। ये बनेगा बेटा हमारे पास में रिजल्ट। बताओ समझ आया नहीं आया, क्योंकि यहाँ तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड में थे, इसीलिए हमने जो फिजिक्स के अंदर एरर का कंसेप्ट सीखा है ना बेटा, वही हमने यहाँ अप्लाई किया है। हमने कोई डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं किया, हमने जो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट सीखा है वही हमने यहाँ अप्लाई किया है। अब आप देखो, डेल्टा जी परसेंटेज इज इक्वल टू, कैपिटल जी के अंदर कितनी एरर आपको दी गई है, कैपिटल जी में हमें दी गई है 0% की एरर, कैपिटल एम में कितनी दी गई है 0% की एरर, रेडियस में कितनी दी गई है 1% की एरर। सो ग्रेविटी के अंदर जो एरर निकल कर आएगी बेटा, ये निकल कर आएगी हमारी 2%। दिस इज द परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी, ये हमारी ग्रेविटी के अंदर परसेंटेज एरर निकल कर आएगी। दिस इज द परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी, और ग्रेविटी की परसेंटेज एरर हो गई है बेटा हमारी 2% के बराबर। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है आपको इस बात का पता हो कि कहाँ हम सिंपल कंसेप्ट लगाने वाले हैं, कहाँ हम डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगाने वाले हैं। अगर आपको इन सभी चीज़ों को पता है कि कहाँ सिंपल कंसेप्ट लगेगा, कहाँ डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगेगा, फिर प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाता है हम लोगों के लिए। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो बेटा, आज की क्लास में बहुत लंबी नहीं रखने वाला हूँ, आज की क्लास में शॉर्ट ही रखूँगा, क्योंकि आज आप लोगों की डाउट क्लास भी है, तो इतना समय आप लोगों के पास में होगा भी नहीं कि भाई आप दो दो क्लास को एक दिन में देख लो। तो आज की क्लास ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इवनिंग में आप लोगों की डाउट क्लास होगी, और उस डाउट क्लास में जो जो भी आप लोगों के डाउट हैं, जो जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, वो खुलकर आप लोग हमसे डिस्कस करें, और जो भी आप लोगों को सजेशन चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए वो हम बिल्कुल देने के लिए बेटा आप लोगों को तैयार हैं। देखिए, प्रॉब्लम हमारे पास में ये है, ध्यान से देखिएगा ज़रा, प्रॉब्लम है हमारे पास में ये, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, एक सिंपल सा फंक्शन हमें दे रखा है। सबसे पहले आप देखो, मैं यहाँ सिंपल एरर का कंसेप्ट नहीं लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल एरर का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं लगा सकता हूँ। क्यों नहीं लगा सकता हूँ सिंपल एरर का कंसेप्ट? क्योंकि बीच में आ गया है प्लस, और जब बीच में प्लस आ जाता है या माइनस आ जाता है तो वहाँ आप एरर का कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं। आपको गिवन क्या दिया है, सबसे पहले आप ये देखते हैं बेटा, गिवन दिया है आपको 1 ± 0.1 मीटर, हमें ये गिवन दिया गया है स्टूडेंट, 1
प्लस माइनस 0.1 मीटर। अब देखिए हम ये लिखेंगे भैया, अगर ये हमारे पास में गिवन है तो x की जो मेन वैल्यू हो गई है वो हो गई है 1 मीटर, और x की जो एरर वाली वैल्यू हो गई है वो हो गई है 0.1 मीटर। ये हमारे पास में गिवन है, x की मेन वैल्यू हो गई है 1, एरर वाली वैल्यू हो गई है 0.1। y की मेन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? y की मेन वैल्यू निकलेगी x स्क्वायर प्लस x। ये जो x आपको दे रखा है ये तो आपको पता है, रख दो यहाँ से उठाकर, आंसर आ जाएगा 2। y की मेन वैल्यू निकल गई बेटा हमारी 2। कैसे? इस x की जगह 1 रखा, इस x की जगह 1 रखा, सॉल्व किया, y निकल गया 2। अब हमें चाहिए y की एरर वाली वैल्यू, हमें चाहिए y की एरर वाली वैल्यू। कैसे निकालेंगे एरर वाली वैल्यू? y का डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन गया बेटा हमारे पास में dy अपॉन dx इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन लोगों से डिफरेंशिएशन नहीं आता है वो काम करें बेटा इसके ऊपर, और डिफरेंशिएशन कुछ भी करके सीखें। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया है 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया है 1। सो डी वाई की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 2x प्लस 1, साथ में है dx। आइए वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा। 2 बेटा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 1, ये 1, और dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? dx है हमारे पास में 0.1। dx की वैल्यू है हमारे पास में 0.1। सो dy की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 3 इंटू 0.1, आंसर इज 0.3। y की मेन वैल्यू आ गई है 2, और y की एरर वाली वैल्यू आ गई है 0.3। यानी अगर हम चाहें तो y को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 प्लस माइनस 0.3, हम y को कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 0.3, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ आई हो। इवनिंग में आप लोगों से मिलेंगे डाउट क्लास में, उसमें जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स रहेंगी वो आप हमसे डिस्कस करिएगा, फिर अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे बेटा मंडे में। आपका होमवर्क यही है कि जितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा रहे हैं आप लोगों को वो प्रॉपरली आप लोग अपनी कॉपी के अंदर लिखें, अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखें, अपनी होमवर्क कॉपी में लिखें, उन क्वेश्चंस को जितना हो सके उतना रिपीट करें, क्योंकि फिजिक्स आप लोगों से सिर्फ प्रैक्टिस चाहती है। जितनी आप फिजिक्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से आप फिजिक्स को समझ पाएंगे। आपके स्टडी मटेरियल में असाइनमेंट हमने आपको दिया गया है बेटा, वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस ट्राई करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो आप हमारे संपर्क में रहिए। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।